बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खबर शामिल करते हैं। गुज़श्ता दिनों तर्जुमान मिल्लत न्यूज़ की सर्वे टीम ने कायद आज़म कॉलोनी में वाक़िया कंसेप्ट स्कूल सिस्टम का सर्वे किया। कंसेप्ट स्कूल सिस्टम तालीमी मियार के हवाले से अपनी मिसाल आप है। वसी और रेस बिल्डिंग, कुशादा माहौल, एस ओ पीज का मुकम्मल एहतमाम, क्वालिफाइड स्टाफ स्कूल की पहचान है। सर्वे टीम की मुलाकात स्कूल की डायरेक्टर मैडम सईदा फायज़ा आसिम हाशमी से हुई। उन्होंने बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा स्कूल हर साल बेहतर रिजल्ट देता है। वालदैन हमसे मुतमईन हैं, गवर्नमेंट हमारे साथ तावन करे, हम SOPs का ख्याल रखते हैं। तर्जुमान मिल्लत न्यूज़ रावलपिंडी, नुमाइंदा मुनीबा सुल्तान। जी सलाम अलैकुम, मेरा नाम रुखसाना वसीम है, मैं कॉन्सेप्ट स्कूल की प्रिंसिपल बात कर रही हूँ। अब कुछ पॉलिसीज़ हैं लॉकडाउन के हवाले से और एजुकेशन पॉलिसीज़ के हवाले से मैं कुछ बात करना चाहती हूं, और मैं चाहती हूं कि मेरा ये पैगाम वज़ीर आज़म साहब तक लाजमी पहुंचे। ऑल्दो उनकी बहुत अच्छी पॉलिसीज़ रही हैं और अब तक आ रही हैं, लेकिन एजुकेशन सेक्टर में और स्पेशली प्राइवेट सेक्टर में मैं चाहती हूँ कुछ थोड़ी सी वो प्राइवेट सेक्टर स्कूल्स की तरफ भी तवज्जो दें। नो डाउट कि उन्होंने गवर्नमेंट स्कूल के साथ बहुत अच्छी रिलैक्सेशन दी हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा प्राइवेट सेक्टर को भी रिलैक्सेशन दे रिगार्डिंग फीसेस और रेंट। मैं चाहती हूँ कि उन्हें ऐसी पॉलिसी से एक बेसिक बना दें, एक लॉ ला दें, लॉ कर दें कि जी इतना इतना आपने रेंट आउट करना है इन क्राइसिस टाइम में। आगे पीछे तो चलें ठीक है, लेकिन जब क्राइसिस आ जाते हैं तो फिर हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है रेंट के सिलसिले में भी और फीसिस के बारे में भी। तो मैं चाहती हूँ कि एक इस बात पे भी काम किया जाए कि प्राइवेट सेक्टर को आप क्या पैकेज दे रहे हैं, उनके लिए आप क्या काम करें। एक तो मुझे ये थोड़ा सा करना है, थोड़ा सा मुझे पेरेंट्स को ये अवेयरनेस देनी है कि काइंडली एजुकेशन की अहमियत को समझें, इसको थोड़ा सा सीरियस लें, इग्नोर मत करें। पैसा ही सब कुछ नहीं है, फीसिस ही सब कुछ नहीं है, जब तक आप कॉपरेट नहीं करेंगे हम ये इदारे नहीं चला सकते। तो थोड़ा सा इस सिलसिले में समझें, इस सिचुएशन को समझें और हमारे साथ कॉपरेट करें। थैंक यू सो मच।